ग्रहण समारोह है, मुख्य मंत्री पद की आज शपथ वो लेंगे। पवन कल्याण भी मौजूद है मंच पर और साथ ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जो कि आज शपथ लेंगे। शपथ प्रमाण स्वीकारम मरियु रहस्य परिरक्षण प्रमाण स्वीकारम केवल सिंधिगा विज्ञप्ति चेस्तुनानो श्री नारा चंद्रबाबू नायडू गारी चेत मुख्यमंत्री पदवी प्रमाण स्वीकार मरियु रहस्य परिरक्षण प्रमाण स्वीकार चेंज वल्सिन। नेनु नारा चंद्रबाबु नायडु अने नेनु शासन द्वारा निर्मितमैन भारत राज्यांगं पट्ल निजमैन विश्वासं विधेयत चूपतानने भारत देश सार्वभौमाधिकारान्नि समग्रतनु कापाडतानने आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्रिगा ना कर्तव्यालनु श्रद्धतो अंतकरण शुद्धितो निर्वाहिस्तानने भयंगाने पक्षपातंगाने रागद्वेषालुगाने लेकुंडा राज्यांगान्नि शासनालनु अनुसरिंचि प्रजलंदरिकी न्यायं चेकूरुस्तानने दैव साक्षिगा प्रमाणं चेस्तुन्नानु। नेनु नारा चंद्रबाबु नायडु अने नेनु आंध्रप्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्रिगा ना परिशीलनकु वच्चिन लेदा नाकु तेलियवच्चिन ये विषयान्नि ना कर्तव्यालनु सक्रमंगा निर्वहिंचेंदुकु అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచునని లేదా వెల్లడించునని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। गलत तरीके से इस तरह के काम ना करके, बल्कि जितनी भी प्रजा है, जितनी भी जनता है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा। तेलुगु में वो शपथ ले रहे थे और तेलुगु में शपथ लेने के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार के साथ मिलकर एक अच्छे सरकार के रूप में आंध्र प्रदेश को चलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में आज मैं शपथ ले रहा हूँ और साथ ही जनता के लिए जो भी भविष्य में सही फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। मंच पर इस वक्त कौन कौन मौजूद है ये आप देखिए, एकनाथ शिंदे से लेकर वो खास मेहमान चिरंजीवी भी और साथ ही पवन कल्याण भी, रजनीकांत भी, वेंकैया नायडू, अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, चिराग पासवान इनके पीछे मौजूद हैं, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, बतौर सीएम ये नायडू की चौथी पारी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद है, कई दिग्गज मौजूद हैं। नायडू सरकार में टीडीपी से 21, जनसेवा से 2 और भाजपा से 1 मंत्री ने भी शपथ लेने की जो तैयारी है वो की है। और अब देखिए पवन कल्याण को आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेते हैं, आपको पवन कल्याण नजर आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और ये शपथ लेते हुए पवन कल्याण। पवन कल्याण शासन द्वारा निर्मित భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని
సమగ్రతని కాపాడుతారని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయంగాని పక్షపాతంగాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. पवन कल्याण जिन्होंने बतौर एक्टर कई बार टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपने इन्हें देखा है, कई बड़ी हिट फिल्में आप इन्हें करते देख चुके हैं, लेकिन अब राजनीति में उनके जो कार्य हैं वो कितने हिट होते हैं ये अभी देखने अभी बाकी है, क्योंकि मंत्री पद की शपथ पवन कल्याण ने ली है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से भी मिलते वो नजर आ रहे हैं.